Hello viewers, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Sri Akal, Kem Chho. I am Sadia from BJM's Patisserie. जी viewers, last week आपने देखा था मैंने आपको stenciling बताई थी और इस cake की जो है अब आज मैं painting बता रही हूँ कि किस तरह मैं इस cat को paint करूँगी, तो ये मैं आपको सिखाऊँगी, ठीक है? और उसमें मैंने किस तरह से joint किया था दो pictures को, वो भी आपको सिखाऊँगी. तो फिर शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं. फिर चलें स्टार्ट करते हैं पेंटिंग. जी व्यूअर्स, अब मैं पॉप आर्ट का आपको सिखाऊंगी, पॉप आर्ट पेंटिंग जो हम केक पे करेंगे. तो मैं शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने जो बनाई है पिक्चर, ये दो पिक्चर्स को मिला के बनाई है. ये मेरी बेटी की पिक्चर है, ठीक है? और ये पॉप आर्ट जो मैंने उसमें गूगल इमेजेस में से निकाला है पॉप आर्ट का, वो है. अच्छा, अब ऐसा ही करूँगी मैं कि इसकी इस वाली पॉप आर्ट पिक्चर में से ये गॉगल्स, हैंड और लिप्स ये निकाल लूँगी, ठीक है? और मैं अपनी बेटी की पिक्चर में, रमशा की पिक्चर में, यहाँ गॉगल्स लगा दूंगी, हैंड आएगा और यहाँ लिप्स आएंगे. ये देखिए मैंने ये निकाल दिया है, इसकी फेस में से गॉगल्स और लिप्स निकाल दिए. बेचारी बड़ी परेशान है, उसका क्या किया मैंने, ठीक है? तो ये मैंने अपनी बेटी के लिप्स पे ये लिप्स लगा दिए और ऐसे गॉगल्स लगा दिए. अब मेरे इसमें देखें केक पे, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने जो है चेंज कर सकते हैं, कुछ फनी भी कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव हो सकता है. तो इस तरह के आइडियाज़ हम लेके बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं. अब एक और चीज़ बताऊँ मैं कि फिर हम डिफरेंट जो है ये गर्ल पावर का है पॉप आर्ट, तो इसमें से भी आप ले सकते हैं आइडिया इस तरह से कटिंग करके. ये इनका एक बैंड है, उसका निशान है. ये देखें, ये कैट का था जो मैंने, वो कैट बनाई है, ग्रे कलर की कैट कर दी थी मैंने, क्योंकि हमारे पास जो हमारी जो कैट्स हैं वो ग्रे हैं, तो इस वजह से मैंने इसको, इसकी कटिंग करके इसको अलग कर दिया था, वाव को अलग कर दिया था और उसमें सारा उसका बनाया था. ये देखें आप. चलें फिर अब हम इसका काम शुरू करते हैं. आपको आइडिया दे रही थी कि किस तरह आप पॉप आर्ट पे काम कर सकते हैं, डिफरेंट जैसा आपका मूड हो तो आप वैसी पिक्चर्स निकालें और उसको मर्ज करें किसी एक पिक्चर को दूसरे में, और फिर मज़े की कुछ इनोवेशन हो जाती है. चलें अब हम बताते हैं इसको ट्रेस कैसे करेंगे. मैंने ट्रेस किया हुआ है, ये बटर पेपर ले लें और उसको आप पिक्चर के ऊपर रखें और फिर जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे मुझे सिर्फ इसमें गॉगल्स और हैंड और लिप्स चाहिए, तो बस इसको आप बटर पेपर में उसे देख कर और ट्रेस कर लें, ठीक है? ये हो गया, और सारे गॉगल्स को ट्रेस करके इतनी चीज़ आ गई. इसी तरह आप फेस का करेंगे, जैसे ये फेस पे तो मैंने लिप्स लगा दिए थे, तो ये पूरा फेस का मैंने ट्रेस किया हुआ है, सिर्फ ये आइज़ का पोर्शन छोड़ दिया है क्योंकि मैं इसके ऊपर मैं दूसरा पोर्शन लगाऊंगी इसका, दूसरी पिक्चर का. तो इस तरह से ये मैंने ट्रेस कर दिया. मैं जो आज आपको सिखाऊंगी ये मैं कैट का सिखाऊंगी. तो ये देखें कैट की आप पूरा जो है सारी आउटलाइन और सारी चीज़ें आप ट्रेस कर लें इसको पेंसिल से और इसको फिर अलग कर लें. इसमें हम फॉन्डेंट 50% फॉन्डेंट लेंगे और 50% जो है फ्लावर पेस्ट या गम पेस्ट लेंगे और उसको मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें इसको ड्राई भी करना है थोड़ा, उसके बाद पेंट करना है. तो बस इस तरह हम इसको थिक ज़रा रोल आउट करेंगे. ठीक है, अब हम ये देखें, इसको मैंने रोल आउट कर लिया था.
अब इसके ऊपर मैं ये पूरा कटआउट रखूँगी और इसको मैं पूरा किनारे से कट कर लूँगी। चलिए ये हो गया अलग, अब हम इसको अलग कर देंगे। ये देखिए हमने अलग कर दिया है और इसको हम इसके जो किनारे हैं उसको अपने फिंगर से स्मूथ कर देंगे। अच्छा, इसके जो पॉज हैं उसमें हम बनाने के लिए उससे टूथपिक से या कॉकटेल स्टिक से इंडेंट करेंगे। इसको फिर हम ड्राई होने रख देंगे और जब ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इस पर पेंट करेंगे। जी वर्स, ये देखें ये थोड़ा ज़रा हार्ड हो गया है और अब हम इस पर ट्रेस करेंगे। जो हमने ट्रेस किया किसी भी पॉइंटेड टूल ले लें, ठीक है, उससे हमें सिर्फ ये बनाना है ग्लासेस और इसके निशान बनाने हैं, ठीक है। बाकी तो हम इसको थोड़ा और ड्राई करेंगे और फिर हम इसके बाद इस पर पेंट शुरू कर देंगे। और इस पर आप पेंट भी कर सकते हैं और ये इसके एडिबल जो मार्कर होते हैं ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और पेंट मैं उससे कर रही हूँ जो जेल कलर होते हैं उनमें पानी मिक्स करके और फिर मैं पेंट कर रही हूँ। हम जो है ये आउटलाइन जो बनाते हैं पॉप आर्ट में ज़रा अच्छा लगता है। हम इसकी ग्लासेस बना लेंगे। मैं सोच रही हूँ कि ये मार्कर यूज़ कर लूँ, मेरी जो कैट है उसकी तो खैर आइस ब्राउन है तो मैंने उसमें ब्राउन बनाया था, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सोच रही हूँ मार्कर से यूज़ कर लूँ, ठीक है। कैट की जो आइज है उसमें आप देखें कि ये कोने में वाइट होगा, ठीक है। हमारी कैप तैयार रेडी है, इसको हम और ड्राई करेंगे बिल्कुल और उसके बाद फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। चलें अब मैं आपको एक दो पॉप आर्ट के जो मैंने ऊपर केक के ऊपर लगाए हैं उसका आइडिया दे दूं। मैंने तो बहुत सारे बनाए थे आपने देखा केक पे, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि किस तरह करना है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा तो आप कुछ और दिल चाहे बना सकते हैं, ठीक है। पहले आप इसको रोल करेंगे, ठीक है, और ज़रा थिक ही रखेंगे और फिर हम इसको नाइफ से जो हमारा दिल चाहे, जैसे बबल स्पीच जो हम बनाना चाहते हैं तो उसको इसी तरह से ऐसे कट करके ये बबल स्पीच का पूरा बन गया, ठीक है। हाथ से जो है इसको सॉफ्ट कर देंगे, इसके अंदर हम दो टूथपिक या कॉकटेल स्टिक इस तरह लगा देंगे कि केक के ऊपर जा सके, ठीक है। अब इसका वही तरीका है कि आप इसके पहले सारे आउटलाइन पे ब्लैक जो है आउटलाइन बना दें। अगर आप लोगों को मेरा जो
मुझे आइडियाज़ पसंद आए और आप कोई केक बनाएं तो प्लीज़ मुझे अपनी पिक्चर ज़रूर सेंड कीजिएगा कि आपने कैसे बनाया और कितना फ़ायदा हुआ आपको मेरी क्लास से। अच्छा, अब हम इस पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो दिल चाहे। मैं लिख देती हूँ OMG। इसको ड्राई करके लिखेंगे तो ज़्यादा आराम से लिखा जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आप मार्कर से भी लिख सकते हैं और किसी ब्रश से भी यूज कर सकते हैं। OMG के अंदर ऐसे करते हैं कि मैं वाइट पेंट कर देती हूँ। जब ये ड्राई हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, फिर आप अपने केक पे लगा सकते हैं। जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको पेंटिंग? कितनी इजी थी? तो आप लोग जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, पेंट करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसे लगी, इजी लगी या डिफ़िकल्ट लगी। तो फिर चलते हैं। जाने से पहले आपको याद दिला दूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।